और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर देश भर के साथ। हरियाणा में प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण का स्तर देश के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में से हरियाणा के 6 शहर हैं, बाकी पूरे देश भर में 10 शहर और हरियाणा के उन टॉप 10 में से 6 शहर आते हैं। फतेहाबाद, कैथल, हिसार, रोहतक, कनाम इन शहरों में, बहादुरगढ़ और भिवानी में भी प्रदूषण से हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी में भी AQI 500 तक पहुंच गया। देश में सबसे ज्यादा औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स फतेहाबाद में रहा है। देश के सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है 10 में से हरियाणा के 6 शहर, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति हरियाणा की। और जबकि हरियाणा में इस बार अगर पराली जलाने के मामलों की बात करें तो काफी कम सामने आ रहे हैं। जितेंद्र मौंगा हमारे संवाददाता फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं और गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन जितेंद्र, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा, फतेहाबाद में फिलहाल किस तरह की स्थिति है, क्योंकि काफी ज्यादा स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। ये साफ तौर पर स्थिति जो लगातार खराब हो रही है और 450 को पार कर गया है AQI और लगातार प्रदूषण का स्तर जो बढ़ रहा है। फतेहाबाद लगातार नंबर वन जो है पराली जलाने में बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की ओर से दावे तो किए जा रहे हैं, उनका कहना है कि 123 के करीब किसानों को 3 लाख के करीब जुर्माना जो है वो लगाया गया है, लेकिन इतना काफी नजर नहीं आ रहा। खासतौर पर फतेहाबाद का जो रतिया टोहाना इलाका है वहां पर लगातार जो पराली जलाई जा रही है और यही कारण है कि प्रदूषण जो है वो फैल रहा है। जी। और गुलशन, अगर बात की जाए गुरुग्राम की NCR क्षेत्र की, यहाँ से भी ज्यादा यूं तो अगर बात करें हरियाणा में कई जगहों पर, जींद में हमने देखा, फतेहाबाद में हमने देखा, वहां का AQI लेवल ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन गुरुग्राम और फरीदाबाद की स्थिति तो ऐसी अमूमन बनी ही रहती है। देखिए तंत्र बिल्कुल, हालांकि हरियाणा के जो 6 शहर टॉप लिस्ट में आए हैं जिसमें वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा हो रहा है, उसमें गुरुग्राम तो नहीं है, लेकिन इस समय गुरुग्राम में भी अगर AQI लेवल की बात करें तो वो 248 जो है इस समय दर्शा रहा है, वो भी पुअर की कैटेगरी में आता है। काफी जो है अगर हम कहें तो इससे काफी सांस लेने में भी दिक्कत आती है, आंखों में भी जलन होती है। ये जब 248 के पार जब भी AQI लेवल आता है तो इसमें आम इंसान को काफी दिक्कतें होती है। हालांकि जो हरियाणा के 6 शहर हैं हितेंद्र, जिसमें हिसार है, कैथल है और इसके अलावा फतेहाबाद है, भिवानी है, रोहतक है, बहादुरगढ़ है, ये 6 शहर ऐसे हैं जिसमें वायु प्रदूषण सबसे ज्यादा है। फतेहाबाद तो देश में सबसे ज्यादा जो है उसमें वायु प्रदूषण है। इसके अलावा चरखी दादरी में भी 500 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शो कर रहा है। तो ऐसे में हरियाणा में किस तरह से प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है वो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो AQI लेवल हर जिले में जो अलग अलग जो है शो कर रहा है तो उससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि फतेहाबाद की बात करें तो सर्वाधिक जो है सबसे ज्यादा पराली के 28 केस जो है जलने के सामने आए हैं फतेहाबाद से। इसके अलावा टोटल हरियाणा में 1296 केस जो है अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 99 केस जो है अभी हाल ही में आए हैं। तो ये आंकड़ा जो है आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं किस तरह से पराली जलाने में अभी भी किसान जो है वो नहीं मान रहे हैं। बेशक सरकार उन्हें हर तरीके के वादे दे रही हो पराली ना जलाने के, पराली को मत जलाइए ताकि पराली से जो है आपका मुनाफा भी हो सकता है, ये सरकार ने जरूर कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को ये लगता है कि पराली जलाने से जो है उनकी फसल और अच्छी आएगी। ऐसा नहीं है, जबकि पराली जलाने से प्रदूषण तो बढ़ता ही है और आसपास के इलाके में भी जो है लोगों को परेशानी होती है। और ये स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं, जब सुबह की सैर कर रहे थे तो हमने कई लोगों से बातचीत की तो उनको सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी और आंखें जो हैं हितेंद्र पूरी तरह से नहीं खुल पा रही है। बेशक सुबह की सैर बहुत अच्छी मानी जाती है आम लोगों के लिए कि सभी को जो है सुबह की सैर करनी चाहिए, क्योंकि जो हम कहते हैं हवा जो है वो काफी शुद्ध मिलती है मॉर्निंग के समय में, लेकिन इस समय मॉर्निंग वॉक भी खतरनाक है क्योंकि जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, AQI लेवल का स्तर जो लगातार बढ़ रहा है उससे आम लोगों को काफी दिक्कत है। सुबह की जो मॉर्निंग वॉक भी करते हैं लोग उससे भी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में अब लोगों को खुद
जागरूक रहने की जरूरत है, और लोग कहीं भी अगर इस तरह से पराली जलते हुए देखे या कूड़ा जलते हुए देखे या कहीं कंस्ट्रक्शन होते हुए देखे या डीजल की गाड़ियां जो हैं अधिक संख्या में इस समय जो है गुरुग्राम में चलने को दिख रही हैं, तो लोग इससे अवॉइड करें, क्योंकि जब तक एक्वाई लेवल थोड़ा कम नहीं हो जाता है, बेहतर नहीं हो जाता है, और उसके बाद ही ये सारी चीजों का जो है इस्तेमाल करें। बेशक हितेंद्र ग्रैप के नियम लागू किए गए हो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के, लेकिन उसमें जिस भी जिला प्रशासन ने जो भी अनुमति नहीं दी है, चाहे वो जनरेटर ना चलाने की अनुमति की बात हो या कंस्ट्रक्शन ना करने की अनुमति हो, पराली ना जलाने की अनुमति हो, इसके अलावा डीजल के वाहनों को भी कम से कम जलाने की अनुमति हो, चलाने की अनुमति हो, तो ये सब चीजें रुक नहीं रही हैं। अभी भी हितंत्र लगातार ये जारी है और लोग नहीं मान रहे हैं, इसी कारण जो है इक्वाई लेवल का स्तर जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए देश में हरियाणा टॉप, अगर 6 शहर कहे तो वो हरियाणा के आते हैं, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, रोहतक, बहादुरगढ़, ये तमाम ये शहर है जो इस समय वायु प्रदूषण की गुणवत्ता में सबसे ज्यादा है और जहां आम लोगों को भी काफी दिक्कतें जो है आ रही हैं। और इस समय एक चीज और बता दूं कि हॉस्पिटल में जो है काफी जो लोग हैं वो दमा के मरीज आ रहे हैं, जिनको सांस लेने में दिक्कत है उसके आ रहे हैं, आंखों में जलन के मरीज आ रहे हैं, तो ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इस समय एक्वाई लेवल बढ़ रहा है और लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, चाहे बेशक बाहर जो है लोग निकलते हैं। और हम देख रहे हैं कि गुरुग्राम में तो जगह जगह कूड़ा इस समय काफी संख्या में जो है सड़कों पर बिखरा हुआ है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, कूड़ा भी नहीं उठ पा रहा है, तो लोग कूड़े को भी जलाते हुए तस्वीरें जो है सामने आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि कूड़ा जलाने से जो है उनका कूड़ा बिल्कुल बिल्कुल यही वजह है कि प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, कूड़ा तो नष्ट जरूर हो जाएगा लेकिन लोगों में बीमारी भी फैल रही है, इसी वजह से लोगों में बीमारियां भी फैल रही है। लेकिन फतेहाबाद की विशेष रूप से अगर बात करें जितेंद्र, तो वहां पर आपने भी बताया कि पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, स्थानीय प्रशासन की तरफ से वहां पर क्या किया जा रहा है इन मामलों को रोकथाम के लिए? देखिए, स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो सख्ती कहीं ना कहीं नजर आ रही है, लेकिन जो पहले सख्ती होती थी या फतेहाबाद के डीसी जो खुद ग्राउंड पर निकलते थे, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। ग्राम सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है, नंबरदारों की ड्यूटी लगाई गई है और सरपंचों को भी अल्टीमेटम दिया गया है, कुछ ग्राम सचिवों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, और यही कारण है कि किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। वहीं जो किसानों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि उनके पास जो यंत्र नहीं है पराली निपटान को लेकर, ये बहाना उनकी तरफ से जो सामने आ रहा है, और यही कारण है कि लगातार पराली जल रही है। किसानों से जो बातचीत हुई है, अभी बिजाई को 15 या 20 दिन का समय अभी और है, तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में 15 या 20 दिन जो है और प्रदूषण फतेहाबाद में बढ़ने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र, और गुलशन आपका भी बहुत शुक्रिया जो तमाम जानकारी आपने दी। तो प्रदेश भर में अलग अलग शहरों में स्थिति जो है वो काफी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक्यूआई का लेवल, ये तस्वीरें आप नजर मार सकते हैं इन आंकड़ों पर, किस तरह से हिसार में 406 एक्यूआई दर्ज किया गया, रोहतक में 385 यानी कि 400 के लगभग करीब, कैथल में 375, बहादुरगढ़ में 350, भिवानी में 346, फतेहाबाद में 216, तो इस तरह से एक्यूआई का लेवल जो है वो अलग अलग जगहों पर दर्ज किया गया। और इसमें एक्यूआई का लेवल जो है वो घटता बढ़ता रहता है, कई जगहों पर 400 के भी क्रॉस हो चुका है एक्यूआई का लेवल।